मैंने स्कूल डेज में क्लासेस बंक करी है, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं था और ना ही इसलिए कि मुझे स्कूल के बाहर घूमने का शौक था, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जब मैं 9th क्लास में था तब मैंने फर्स्ट टाइम क्लासेस बंक करी थी। हुआ ये था कि स्कूल प्रेयर के बाद हम सारे स्टूडेंट क्लासरूम में आकर चिल मार रहे थे। और फिर हमने नोटिस किया कि काफ़ी देर हो गई है और हमारी क्लास टीचर पूजा मैम अभी तक आई नहीं है। और फिर हमने जब विंडो से बाहर देखा तो उनकी स्कूटी भी पार्किंग में नहीं थी। और हमारे वरुण सर की बाइक भी वहाँ नहीं थी। दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यस सर, मुझे तो लगता है आज दोनों टीचर स्कूल आने की जगह डेट पे गए। नहीं, बल्कि आज हमारे स्टार्टिंग के दोनों पीरियड में कोई पढ़ाई नहीं होने वाली, क्योंकि फर्स्ट पीरियड हमारी क्लास टीचर का था और सेकंड पीरियड वरुण सर का। वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है ना? लेकिन हमारे स्कूल का भी एक रूल था कि अगर कोई टीचर स्कूल से एब्सेंट होता था तो उनकी जगह क्लास लेने प्रदीप सर को भेज दिया जाता था। और ये सर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। ये हमेशा हमारे से मैथ्स का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर सोल्व करवाते थे। When x cube minus 2x square plus ax minus b is divided by x square minus 2x minus 3, if the remainder is x minus 6, then find the value of a and b. तुम, हाँ तुम, इसे सॉल्व करो। अब इस प्रॉब्लम से बचने का हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, क्लासेस बंक करना, क्योंकि उनके दिए हुए क्वेश्चंस हम लोगों से कभी सॉल्व नहीं होते थे। इसलिए हम दोस्तों ने डिसाइड किया कि आज कुछ भी हो जाए, हमें प्रदीप सर की क्लास बिल्कुल भी अटेंड नहीं करनी है। तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि प्रदीप सर की क्लास में आने से पहले ही हम लोग चुपचाप क्लासरूम के बाहर निकलेंगे और टीचर की नज़रों से बचते हुए स्कूल एग्जिट से ईजिली बाहर चले जाएंगे। लेकिन हमारी स्कूल में बंक करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि एग्जिट गेट पर हमेशा एक गार्ड खड़ा होता था और उसकी नज़रों से बचकर निकलना नामुमकिन था। कहाँ जा रहे हो? अच्छे बच्चों की तरह सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। झूठ नहीं बोलते बच्चे, मुझे पता है तुम लोग क्लास बंक कर रहे हो। चलो मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे उस गार्ड के पास से नहीं जाना, वहां मैं पकड़ लेंगे तो सीधा प्रिंसिपल के पास ले जाएंगा। हाँ ब्रो, ये प्लान तो बहुत रिस्की है, अगर गार्ड ने हमें पकड़ लिया तो वो हमारे एल लगा देगा, कोई दूसरा प्लान बनाते हैं। तो फिर हम लोगों ने स्कूल एग्जिट से बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और अब हमारे पास बंक करने के लिए दूसरा प्लान था हमारी क्लास की विंडो, जिससे कूद कर हम बड़ी आसानी से स्कूल के बाहर जा सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारी क्लास 5th फ्लोर पर थी और वहाँ से कूदना तो छोड़ो, नीचे देखने पर लगता था जैसे हम बुर्ज खलीफा से नीचे देख रहे हैं। लेकिन हमें तो स्कूल के बाहर जाना था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि टॉम क्रूज की तरह विंडो तोड़ते हैं और स्कूल से बाहर जाकर अपना मिशन पॉसिबल कर लेते हैं। लेकिन हम टॉम क्रूज तो थे नहीं कि विंडो तोड़कर बाहर चले जाते हैं, इसलिए हमने ये प्लान भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहाँ से कूदकर हमें अपनी हड्डियाँ नहीं तोड़वानी थी। तो अब हमारे दोनों ही प्लान फेल हो चुके थे और अब हमारे पास बंक करने के लिए तीसरा कोई प्लान भी नहीं था। लेकिन हमारी क्लास में एक बंदा ऐसा था जो बंक करने में बहुत एक्सपर्ट था, जिसे स्कूल के सारे सीक्रेट एग्जिट मालूम थे, और वो था हमारी क्लास का दी वन एंड ओनली मास्टर बंकर। क्या क्लास बंक करना है? हाँ ब्रो, क्लास बंक करना है।
ये तुम लोगों की बस की बात नहीं है बच्चों, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। बड़े आई क्लास बंक करना है यार, प्लीज 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 हेल्प कर दो यार प्लीज। और अगर पकड़े गए तो ब्रो, आज तक आप नहीं पकड़े गए तो हम कैसे पकड़े जाएंगे? लेकिन फिर भी अगर पकड़े गए तो मेरा नाम तो नहीं बताऊंगे। नहीं ब्रो, नहीं बताएंगे। फिर मास्टर बंकर ने हमें अपना सीक्रेट एग्जिट प्लान बताया, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान काम था। हमें बस स्कूल के बैक साइड पर जाकर वॉल से जंप करना था, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान काम था। लेकिन वहां तक जाने के लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, हमारे पीटी सर का ऑफिस। वैसे तो सर अपने काम में बिजी होते थे, इसलिए हमारे पकड़े जाने का चांस भी थोड़ा कम था। लेकिन फिर भी हमें डर था कि कहीं वो हमें जाते हुए वहां से देख न ले, क्योंकि अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी हमने सारे डर को इग्नोर किया और चुपचाप ऑफिस के सामने से निकल गए। लेकिन जैसे ही दीवार कूद कर जाने वाले थे कि अचानक, कौन है? सर आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। उस समय तो हम लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि सर अगर पकड़ लेते तो हमारी बहुत पिटाई होती और हमारे पेरेंट्स को भी हमारी कंप्लेंट पहुंच जाती। लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हम लोग बच गए। फिर हमने वहां थोड़ी देर सर के जाने का वेट किया और जैसे ही सर चले गए, फिर हम तीनों वॉल पर चढ़े और वहां से कूदकर स्कूल के बाहर चले गए। तो ये थी मेरी क्लास बंक करने की स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।